नमस्कार दोस्तों, साउथ के एक्टर रामचरण ने फिल्म आरआरआर में अपने स्वतंत्रता सेनानी वाले किरदार को लेकर जमकर तारीफें बटोरी हैं, जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ की कमाई करते हुए ऐसे समय में सफलता का झंडा गाड़ा है जब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आते ही पिटिया रही थी। उन्हें देश भर में क्रिटिक्स से तारीफें तो मिली ही है, पर हॉलीवुड से भी जमकर तारीफ मिल रही है। अब खबर आ रही है कि मार्वल के क्रिएटर्स इस बात पर सहमत नजर आ रहे हैं कि एक्टर रामचरण उनकी फिल्मों में अगले जेम्स बॉन्ड हो सकते हैं। हाल ही में ल्यूक केज के मार्वल क्रिएटर ने रामचरण को अगले जेम्स बॉन्ड के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की, जो इनकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस दिखते हैं। इस बात को लेकर चर्चा काफी समय से चल रही है कि डेनियल क्रेग का यह किरदार किन्हें दिया जा सकता है। इस लिस्ट में इड्रिस एल्बा और रिगे जीन पेज जैसे हॉलीवुड स्टार्स के नाम शामिल हैं। चाओ ने ट्विटर पर एक लिस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने जेम्स बॉन्ड किरदार के लिए अपने चॉइस का जिक्र किया है, जिसमें इड्रिस एल्बा, शोप ड्रेसिव, मैथ्यू कुट एंड डैमसन इड्रिस जैसे एक्टर्स के नाम हैं। इस ट्वीट के तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और बताया कि वह इन स्टार्स को जेम्स बॉन्ड के रोल में क्यों देखना चाहते हैं। इसी पोस्ट में उन्होंने फिल्म आरआरआर एक्टर रामचरण के सम्मान और इस रोल को डिजर्व करने की बात कही थी। बता दें, एसएस राजामौली निर्देशित आरआर को इंटरनेशनल लेवल पर तारीफें मिली। दोस्तों, रामचरण से जुड़ी इस जानकारी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।